नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सीलेंस चयन परीक्षा के ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे और यह है पर्यावरण का लास्ट टॉपिक है। चलिए इसे देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। दोस्तों जीव एवं उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इस शाखा में, जिस शाखा में होता है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं ना, इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आकर कर क्या होता है, पर्यावरण के सजीव एवं निर्जीव अवयवों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होने वाले तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मतलब यह जो तंत्र है, यह एक जीव दूसरे जीवों पर भोजन के लिए डिपेंड होता है और जब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंस चलते हैं तो उनके बीच में जो आपस में मतलब जो क्रिया मतलब क्रिया का सीधा सा मतलब होता है, जो आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कीड़ा है घास को खाएगा तो कीड़े को छिपकली खा जाती है, ऐसे ही जो सीरीज चलती आती है इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, एक तो जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक में तीन प्रकार है, उत्पादक होता, उपभोक्ता होता और अपघटक होता है ना। कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ऐसे ही भौतिक घटक हैं। चलिए भौतिक घटक को भी देख लेते हैं, भौतिक घटक कौन कौन से हैं। तो भौतिक घटक तीन प्रकार, भौतिक घटक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखते हैं स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी कौन से जीव होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। परपोषी का मतलब क्या होता है, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल क्या होती है, एक पेड़ के ऊपर लटक जाती है और इसके बाद उसी से अपना पोषण करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले देखते एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते उत्पादक क्या होता है ना। ठीक है, तो उत्पादक हरे पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। हरे पेड़ पौधों को उत्पादक बोलते हैं। ये करते क्या, ये सूर्य से प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। ये किससे भोजन की प्रक्रिया बनाने की मतलब जो प्रक्रिया हो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पादपों में भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण, ये वो प्रक्रिया दी गई है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की एवं हरित लवक की उपस्थिति में ये अपना ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन बनाती है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, मतलब ये कब बनती है, जब ये दिन के समय जब प्रकाश होता है उसी की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इसके बाद और पेड़ पौधे कैसे जीव हैं, ये स्वपोषी जीव है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है उत्पादक, अन उत्पादक नहीं है दोस्तों, ये था जो आपको मैं बता दूं, ये उपभोक्ता था। क्या था, उपभोक्ता, परंतु ये मिसप्रिंट मतलब लिखते समय दिक्कत हो गई है, परंतु ये उत्पादक है, है ना, सॉरी ये उपभोक्ता है, इसे अच्छे से ध्यान में रखिए, है ना। ठीक है, उपभोक्ता होता क्या है, पहले इसे देख लीजिए, है ना। उपभोक्ता का इन्हें मतलब बताते हैं, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों पर निर्भर करते हैं। मतलब भोजन के लिए दूसरों पर ये डिपेंड होते हैं, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ये उपभोक्ता वो तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि चौथा जो होता है वो सर्वाहारी होता है, फिर भी अपन एक एक करके देख ले। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, वे जीव जो शाकाहारी होते हैं, मतलब जो खाना कौन सा खाना खाते हैं, शाकाहारी, जैसे कीड़े मकोड़े, खरगोश, गाय, बकरी आदि। ऐसे ही द्वितीय उपभोक्ता क्या है, वे जीव जो शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, यानी ये द्वितीयक में होते हैं जो मांसाहारी करते हैं, परंतु ये उच्च मांसाहारी नहीं होते हैं, है ना। जैसे लोमड़ी हुआ, मेंढक हुआ, छिपकली, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। तृतीयक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो इस श्रेणी में क्या हो, उच्च मांसाहारी हों। उच्च मांसाहारी वाले जीव जो होते हैं ये तृतीयक श्रेणी के में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं, वे जीव जो मांसाहारी जीव खाते हैं अन्य जीव मांसाहारी एवं द्वितीय उपभोक्ता को खा लेते हैं। मतलब ये जो होते हैं उच्च मांसाहारी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सांप हुआ, शेर हुआ, गिद्ध हुआ, बाज हुआ, है ना, टाइगर हुआ, ये सभी उच्च मांसाहारी जीव हैं। इसके बाद अंतिम है सर्वाहारी क्या है, मतलब वह जीव जो शाकाहारी भी भोजन कर लें एवं मांसाहारी भोजन भी कर लें, उन्हें हम उच्च मांस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हुआ, भालू हुई, बिल्ली हुई, ये सभी क्या होते हैं, ये सर्वाहारी जीव होते हैं, मतलब ये सभी प्रकार का भोजन खा लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा वो है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, जैसे हमें पता है कि जब हम किसी भी जीव को कहीं पर मतलब ज़मीन में फेंक आते हैं तो कुछ दिनों बाद उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे कीड़े द्वारा खाकर ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब उसे साफ़ कर दिया जाता है,
वो कौन करते हैं, वो सूक्ष्म जीव करते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, जो मृत जीवों को शरीर को अपघटित कर देते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, कवक हुआ, जीवाणु हुआ, है ना, ये सभी क्या है, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जो भौतिक घटक है उन्हें भी एक एक करके समझ लेते हैं, है ना। तो देखो भौतिक घटक में कौन कौन से आते हैं, है ना, पहले इन्हें देख लो। भौतिक घटक कौन कौन से, ताप हुआ, जल हुआ, वायु हुई, ये सब भौतिक घटक हैं। कार्बनिक घटक कौन कौन से, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक घटक कौन कौन से, प्रोटीन, वसा, ये भी अपने लिपिड, ये सभी क्या है, कार्बनिक घटक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम ने पूछे हैं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो 1973 में प्रारंभ हुआ था, अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है, सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, वैश्विक प्रदूषण का कारण, औद्योगिक प्रदूषण है। इसे देख लीजिए, क्योंकि वैश्विक कारण ये भी कई बार लगातार अब एग्जाम्स में आ रहा है। वैश्विक कारण का मतलब वैश्विक प्रदूषण का कारण क्या है, औद्योगिक प्रदूषण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चिपको मूवमेंट क्या था, है ना, इसे भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि चिपको मूवमेंट से हर साल एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्या आखिरकार क्या हुआ था, मतलब इन्हें बताया है कि उत्तराखंड में एक राज्य था चमोली, है ना, वह उत्तराखंड के एक जो गांव था चमोली गांव का नाम था, है ना, वहां पर क्या हुआ कि पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए बिश्नोई समाज की एक महिला थी, नाम था अमृता देवी, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने बलिदान दिया था। तो क्या था, चिपको आंदोलन, सबसे पहले ये पूछता है किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित, किस राज्य से, उत्तराखंड राज्य से यह संबंधित है। इसमें वनों की कटाई को रोकने के लिए इसे चलाया गया था, जिसमें बिश्नोई समाज की महिलाओं ने इसका विरोध किया था। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिन्होंने 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इसका मतलब प्रदर्शन किया था। और ये 1970 के दशक की बात है, कब से, 1970 के दशक की बात है ना, ये अच्छे से ध्यान रखिए, कब की बात है, 1970 के दशक की बात है ना। इसमें बिश्नोई समाज की महिला अमृता देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। इससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम को में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए आपको ये आज की इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगर यदि आपको ये पर्यावरण की पीडीएफ चाहिए है, तो आप मुझे मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको यहीं पर लिख दे रहा हूँ, उसे आप लोग क्या उस पर मैसेज कर दिए, है ना। इस नंबर पर आप यदि मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप क्या है कि इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं क्या है कि आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यह पर्यावरण का लास्ट लेक्चर था, जिसमें आपको पूरी तरह, हाँ, और जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो आपका पूरा सिलेबस जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, इसके बाद आपको लगातार आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते जाएंगे, तो उन्हें भी आप इसे देख लीजिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। बने रहिए हमारे चैनल पर, ताकि आपको एक्सीलेंस चयन परीक्षा में कोई भी तकलीफ ना हो, है ना।